hello and welcome to our youtube channel royal academy today we are going to discuss rivers and lacks of india in this video we, we are going to cover 50 mcqs that are being asked in various exams even is 2019 2020 upsc questions have been covered in it

रिवर्स है कौन कौन बरक लोहित एंड सुबनसरी इनमें से कौन कौन सा रिवर प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश में तो पह, सबसे पहले जो ये रिवर्स है बरक लोहित एंड सुबनसरी ये तीनों ट्रिब्यूटरीज है किसके ब्रह्मपुत्रा के इनमें से जो बर्क है बरक इज़ इन आसाम तो ऑप्शन वन इज़ नॉट राइट जो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत ऑप्शन बनता है आपका सी भी एंड आपका डी भी तो विच इज़ राइट दैट इज़ टू एंड थ्री इसका मतलब जो आपका लोहित एंड सुभनसरी जो है दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसके ब्रह्मपुत्र दैट आर प्रजेंट इन अरुणाचल प्रदेश वाईल एस बर्क इज़ इन आसाम

जो है वो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और इसका जो आंसर है अ सुंदरबन क्योंकि वहां पे जो ट्रीज प्रेजेंट है किस पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे वहां पे सुंदरी ट्रीज प्रेजेंट है तो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज अ सुंदरबनस नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाइस्ट इन तो हमसे पूछ रहा है जो ये सरफेस वाटर रिसोर्सेज है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं देखो वाटर हैव डिफरेंट रिसोर्सेज जैसे आपका हुआ रिवर्स हुआ लैक्स हुआ तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है यह सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है तो आपको यह पता है कि इट्स नॉट इन इंडस प्लेन्स नॉट इन ईस्टर्न इंडिया नॉट इन पेनसुलर इंडिया इट्ज द गंगा प्लेंस सो गंगा प्लेंस हैव गॉट मोस्ट सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाइस्ट इन गंगा प्लेंस

ये क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये सारे ट्रिब्यूटरीज गंगा के हैं आपको बताना है ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर आपको बताना है ट्रिब्यू जो ये ट्रिब्यूटरीज है इनका करेक्ट ऑर्डर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला क्या है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम इट फ्लोज थ्रू सिक्किम बट जो सोरस है वो सोरस सेम नहीं है क्योंकि जो से ब्रह्मपुत्र का सोरस है दैट इस तिब्बत वायलेंस जो तीस्ता का है तीस्ता ऑरिजिनेट होता है कहाँ सिक्किम से दो अलग अलग जगह से ही ऑरिजिनेट होता है नाउ ऑप्शन टू इज रिवर रंगीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये रिवर रंगीत है ये ऑरिजिनेट कहाँ पे होता है सिक्किम में सिक्किम से ये ऑरिजिनेट होता है और ये ट्रिब्यूटरी tri, uh, है किसकी तिस्ता की एंड दैट्स राइट जो रंगीत है रंगीत किसकी है ट्रिब्यूटरी तिस्ता की Now river Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. So, तो आपको याद रखना पड़ेगा. It's the option B. Option B is the right. Only जो statement right है यहाँ पे that is uh, option. B is the right only जो आपका कौन सा है second जो statement है वही ठीक है बाकी जो है वो wrong है

Now coming to question number eight, and question number eight is, flood can be prevented. जो फ्लड है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाई मेकिंग स्लोप ऑन लैंड बाई रिमूविंग द वाटर कवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाई मेकिंग अ डैम ऑन द रिवर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज तो विच इज़ द राइट ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ द राइट तो हम क्या हमें क्या बनाना है डैम बनाना है और हमें प्लांट्स लगाने हैं ना कि हम क्या करें स्लोप्स बनाएंगे जहां से आपका जो पानी का बहाव है वो और ज़्यादा होगा बाई रिमूविंग द वाटर कवर्स और बाई कटिंग द ट्रीज दीज थिंग्स जो है ये क्या करते हैं ये फ्लड को मदद देते हैं स्पीड बढ़ाने में कलर्स को आने में वेल इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया इज जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन है वो किसका है आफ्टर गोदावरी बेसन इट इज आपको याद रखना पड़ेगा इट इज द नर्मदा बेसन नर्मदा बेसन का सेकंड लार्जेस्ट बेसन माना जाता है

वो भी ट्रिब्यूटरी है चंबल की पार्वती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल जो ये शिप रहा है ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी चंबल की वाइल इज बित इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी चंबल की तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी रहेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन नंबर अलेवन इज विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस गली इरोजन तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी जो वैली uh, है किसी रिवर की वैली जो है वो उसको बार बार गली इरोजनज आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट रिवर कोसी नॉट दामोदार नॉट ब्रह्मपुत्र इट इज़ चंबल तो आपको याद रखना पड़ेगा जो चंबल वैली है दैट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनस गली इरोजन बिकॉज ऑफ दिस रिवर चंबल नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड क्वेश्चन नंबर टवेल्व इज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्मड बाय द डैश ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स नेमली द इंडस गंगा अब कौन रहा वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो किस किस सीडिमेंट ब्रॉड डाउन बाई रिवर इंडस रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र इन्होंने क्या बनाया नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया दिस इज द यंगेस्ट फीचर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द यंगेस्ट फ्यूचर अलॉन्ग विद हिमालय विच इज द ओल्डेस्ट फीचर ये आप मुझे कॉमेंट में बताओगे ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया Now coming to question number 13. And question number 13 is, विच आर द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान तो हमसे पूछ रहा है कि इन रिवर्स में से कौन सा रिवर जो इंडिया से इंडिया के बाद पाकिस्तान में एंटर करता है ऑप्शन ए सतलुज ऑप्शन बी गागरा ऑप्शन सी बेतवा ऑप्शन डी तापी तो आपको याद रख याद आपको पता होगा कि इट्स ऑनली द रिवर सतलुज जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो आगे जाके मीट करता है किस रिवर इंडस को पाकि रिवर इंडस को पाकिस्तान में या आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट अक्रॉस द हिमालयस तो हमसे पूछ रहा है कि इन हिमालयस में जो भी ये रिवर्स है नीचे इनमें से कौन ऑरिजिनेट नहीं होता है कहाँ से हिमालयस से अक्रॉस विच डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस तो ऑप्शन ए इज इंडस ऑप्शन बी इज सतलुज ऑप्शन सी इज गंगा ऑप्शन डी इज ब्रह्मपुत्रा इस ऑप्शन सी गंगा गंगा जो है गंगा ये याद रखना जो गंगा है इवन दो दैट्स अ हिमालयन रिवर बट दैट डज नॉट ऑरिजिनेट अक्रॉस द हिमालयस जो बाकी आपके रिवर्स है इंडस हुआ सतल जो हुआ ब्रह्म हुआ ये क्या है ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस वाइल इज गंगा डज नॉट ऑरिजिनेट फ्राम कहाँ से अक्रॉस द हिमालय से है तो ये हिमालयन रिवर बट इट डज नॉट ऑरिजिनेट फ्राम अक्रॉस द हिमालयस नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज एज द लोकेशन ऑफ विच सिटी इन आसाम द रिवर ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टवर्ड कोर्स एंड एंटर्स इनटू टू द बंग्लादेश तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये ऐसे ऐसे रिवर आ जाता है पहले तो ये यहाँ से ऑरजिनेट होता है फिर तिब्बत होता है फिर एपी में आ जाता है अरुणाचल अर्नौ, प्रदेश में फिर जब ये आसाम में फिर हमसे पूछ रहा है कि जो ये डायरेक्शन है इसकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन ये किस जगह पे टूट जाता है फिर ये किस कहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करता है तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज़ इन दुबरी तो दुबरी के जगह पे जो ये वेस्ट वर्ड डायरेक्शन होती है वेस्ट की ओर जो ये आता है फ्रॉम ईस्ट टू तो वेस्ट तो यहाँ पे एक बेंड आता है जहाँ से ये फिर एंटर करता है किसमें बांग्लादेश में एंटर करता है आगे जाके ये फिर ज्वाइन करेगा किसको गंगा को तो दुबरी के जगह पे ये वेस्ट वर्ड डायरेक्शन को अपना क्या करता है डीप नीचे चला जाता है साउथ की ओर चला जाता है नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली matched? देखो पहले रिवर है उसके बाद आपकी यहाँ लिखी है ट्रिब्यूटरी तो हमें देखना है कि जो कौन सी रिवर जो है वो रॉन्गली मैच की गई है अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पहला ऑप्शन है गोदावरी एंड इंद्रावती दैट्स राइट right, जो इंद्रावती है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी गोदावरी की फिर है बीमा बीमा जो है वो है ट्रिब्यूटरी किसकी कृष्णा की है फिर सुकरी सुकरी जो है ट्रिब्यूटरी किसकी लूनी की वायल एस पैन गंगा पैन गंगा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा देखो गंगा की आपकी रामगंगा हुआ गोमती हुआ घाघरा हुआ गंधक हुआ कोसी हुआ ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है किसके गंगा के वायल एस पैन गंगा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पैन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज दैंक्स ऑफ विच रिवर इज जबलपुर सिचुएटेड तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो जबलपुर सिटी है वो किस रिवर पे है ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो याद रखना इट इज इन दर नर्मदा जो नर्मदा रिवर है नर्मदा रिवर पे आपकी जो सिटी है कौन सी सिटी प्रेजेंट है जबलपुर सिटी नाउ कमिटू क्वेश्चन नंबर एटी एंड क्वेश्चन नंबर एटीन इज कैवेरी रिवर राइजेज इन जो ये कैवेरी रिवर है वो कहाँ से राइज होता है इट्स नॉट महाबलेश्वर इट्स नॉट अमरकंटक प्लेटू इट नॉट त्रिंबिक हिल्स इट इज इन ब्रह्मगिन हिल्स तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये ब्रह्मगिन हिल्स है ब्रह्मगिन हिल्स से ऑर्जिनेट होता है कौन सा कैवेरी रिवर ऑर्जिनेट होता है ये इंपॉर्टेंट रिवर है इन द साउथ साउथ में जो हिमा पेनेंसुलर पार्ट है पेनन्सुलर पार्ट में ये इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सा कैवरी रिवर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आप ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखोगे दैट इज फॉल्स इन कर्नाटका इज़ लोकेटेड ओवर विच रिवर जो जॉग फॉल्स है ये किस रिवर पे है आपको याद रखना पड़ेगा इट इज़ नॉट कृष्णा इट इज़ नॉट गोदावरी इट इज़ नॉट कैवे इट इज़ शरावती रिवर तो शरावती रिवर जो है जो जॉग फॉल्स है वो लोकेटेड है किस रिवर पे शरावती रिवर पे कहीं कहीं आपने देखा होगा स्पेल में बी भी, भी लिखा होता है वी की जगह नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज मजोली द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो मजोली रिवर आइलैंड है वो किस रिवर पे पड़ता है तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज बी ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब ये आसाम में एंटर करता है आसाम के देखो जो ये मजोली आइलैंड है ना एक साइड से इसका ब्रह्मपुत्र है आपको पता ना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा रिवर है जो इसके अराउंड होता है और उस जो रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है आपका मजोली आइलैंड तो आपको बताना पड़ेगा वो रिवर कौन सा रिवर है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो हमसे पूछ रहा है जो ये चिलिका लैक है अब लैक्स के बारे में क्वेश्चन है ये चिलिका लैक जो है ये कौन सा लैक है देखो फ्रेश वाटर लैक तो है नहीं ये तो ऑप्शन बी सी गई आपका डी इज सॉल्ट वाटर लैक इन समर सीजन एंड ऑप्शन ए इज ये सॉल्ट वाटर लैक है थ्रू आउट तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स अ ब्रैक्श वाटर लैक तो ये सॉल्ट वाटर लैक है थ्रू आउट रहता है जो कि प्रेजेंट है किस स्टेट में ओडिशा में प्रेजेंट है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन टू इज विच वन ऑफ द फोइंग रिवर ज्वाइन इज द गंगा ऐट फतवा देखो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सी जो रिवर है या ट्रिब्यूटरी है जो गंगा को मीट करती है एट कहाँ पे फतवा पे आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑप्शन बी देट इज अ पुनपुन जो पुनपुन है ये कहाँ पे ज्वाइन करते है गंगा को फतवा पे एक जगह है वहां पर पुनपुन क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं किस को गंगा को नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज विच वन ऑफ द फॉलोइंगल लैक तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है याद रखना इट इज नॉट इन तमिलनाडु कोडे कैनाल कुलूरू नॉट रेनुका जो ऑप्शन सी है नो नो न इट शुड भी ऑप्शन ए तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ऑप्शन ए है दैट अ कोडे कैनाल तमिलनाडु का यही आर्टिफिशियल लेक है कहाँ इन चार में से यही आर्टिफिशियल लैक है सिटिल यू वेरीफाई दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम गेटिंग डाउट कोडे कनाल इज द राइट आंसर फॉर द किसके लिए आर्टिफिशियल लैक है ये स्टिल ऑफ ये तीन ऑप्शंस को चेक करना इनमें से कोई तो आर्टिफिशियल लैक तो नहीं है स्टिल आई विल पिन डाउन द कमेंट रिगार्डिंग दिस थ्री लैक्स नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स इज आर सिचुएटेड इन द लद्दाख तो लद्दाख के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा रिवर प्रेजेंट है सॉरी कौन कौन सा लैक प्रेजेंट है किस लद्दाख में तो आपको याद रखना पड़ेगा सोकर पेंगोंग सुमगो एंड सोमोरी जो ये लैक्स है ये इनमें से सुमोग को छोड़ के सारे जो लैक्स है वो प्रेजेंट है कहाँ पे लद्दाख में सोकर इज इन लद्दाख पेंगोंग इज इन लद्दाख सोमरी इज इन लद्दाख सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्रिब्यूटरीज बाई द नेम ऑफ द्री मथुन टलोन इमी आही इमरा अवा तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये सारे जो है ये किसके ट्रिब्यूटरीज है तो आपको याद रखना पड़ेगा दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग नॉट द गोदावरी नॉट द लोहित नॉट द कैरी तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ये सारे जो है ट्रिब्यूटरी किसके दिबांग के तो आप मुझे बताओगे दिबांग खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है ये दिबांग दिबांग जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है एक बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे किसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग है

देन अलकनंदा अलकनंदा का जो है दैट इज पूरी देन कमिंग नयार नयार का जो है दैट इज़ अ लेंस फिर है गंगा गंगा का आपका है नरिंदर नगर जो ऑप्शन बी है दैट इज़ राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अब यहाँ पे फेमस प्लेसेस दिए गए हैं यहाँ से रिवर्स दिए गए हैं वी हैव टू करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जो है जो पंदारपुर है तो यहां से हमें रिवर को देखना है कि सबसे पहले जो इजी इसमें से है दैट्स वर हम्पी हम्पी से आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना जरूरी होता ताकि आंसर पता चले हम्पी किसको क्यों किसके साथ इन्होंने किया है माल प्रभा रिवर के साथ तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट्स नॉट द राइट ऑप्शन अगर वो राइट right ऑप्शन नहीं है थर्ड भी चला गया ये भी चला गया ये भी चला गया तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इवन जस्ट नोइंग हम्पी किस रिवर पे है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हम्पी किस रिवर पे है तो जो बाकी ये दो प्लेसेस है ये जो इनके रिवर्स आगे है वो करेक्टली मैच है

कौन सा इनमें से कौन सी स्टेट है जो भूटान के साथ टच नहीं करती है देखो वेस्ट बंगाल तो टच करती है तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन नहीं है अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ टच करता है सिक्किम भी भूटान के साथ टच करता है इट्स द मेघालय तो मेघालय जो है मेघालय स्टेट डज नॉट टच विद द भूटान इट डज नॉट डायरेक्टली टच विद द भूटान नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखो हमारे रिवर्स जो है किस में पेनन्सुलर रिवर्स में कुछ हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कुछ हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ से कहाँ फॉल करते हैं बे आप बंगाल में फॉल करते हैं वाले जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कहाँ पे फॉल करते हैं नर्मदा में करते हैं सॉरी दे फॉल इन द अरबियन सी और जो इसके ऑप्शन है डेफिनेटली दैट विल बी द नर्मदा नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग माही इज द वेस्ट फ्लोइंग आपका जो तप्ती है इज द वेस्ट फ्लोइंग सो so मनी रिवर्स पेरियार इज द वेस्ट फ्लोइंग सो मनी रिवर्स आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और इंपॉर्टेंट जो इनमें ईस्ट फ्लोइंग में वो है गोदावरी हुआ महानदी हुआ कृष्णा हुआ ये सारे जो भी रिवर्स है ये क्या है वेस्ट फ्लोइंग

सिंध, चंबल ये जो ट्रिब्यूट है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना भी जो ट्रिब्यूटरी यमुना की है भी की है यमुना की चंबल जो खुद रिवर, एक अच्छा खासा रिवर है वो भी ट्रिब्यूटरी की यमुना खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा की तो हम बता रहे हैं आपसे वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको इनको क्या करना है अरेंज और ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर थर्टी का नाउ कमिंग टू थर्टी वन एंड थर्टी वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इनमें से कौन सा जो ट्रिब्यूटरी जो है जो रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है फर्स्ट रिवर मानस सेकेंड रिवर कैमिंग थर्ड रिवर महानदा एंड डी रिवर सुबहान सरी अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन याद होगा क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको ये बताया था कि जो रिवर मानस है ये कहाँ पर मीट करती है ब्रह्मपुत्रा को असाम में और रिवर सुबहान सीरी कहाँ पर मीट करती है अरुणाचल प्रदेश में वैल एस कैमिंग भी आपका ट्रिब्यूटरी है किसकी ब्रह्मपुत्री की फिर आपके जो रिवर महानदा रहा ये कहाँ रिवर है ये रिवर महानदी जो आपको पेनिनसुलर रिवर एक अलग रिवर है सो ऑप्शन सी इज द राइट फॉर 31 नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 इज रिवर बियास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइन्स द रिवर तो हमसे पूछ रहा है जो ये रिवर ब्यास है ये किसको को ज्वाइन करता है इंडस को सतलुज को चिनाब को रवि को तो आपको याद रखना पड़ेगा इट फर्स्ट इट जॉइनज़ सतलुज पहले सतलुज को मीट करता है रिवर ब्यास फिर आगे जाके सतलुज खुद मीट करता है इंडस को बट रिवर ब्यास का एक हम का क्या, क्या नाम देते हैं संस्कृत नाम वो आप मुझे बताओगे रिवर ब्यास ऑप्शन कॉमेंट्स में बताओगे रिवर ब्यास का संस्कृत नाम क्या है जैसे आपका चिनाब का है अक्सनी वैसे ही आपको तवी का है सूर्य पुत्री वैसे ही आपको बताना है रिवर ब्यास का क्या है संस्कृत नेम विच ऑप्शन ज राइट इज दो ऑप्शन बी तो रिवर बियास मीट करता है सतलुज को और सतलुज इंटरन मीट करता है किसको एंडस को नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इज विच वन विच वन फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लेंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड बागी जो अलकनंदा और बागी राथी कहां मीट करते हैं देव दैट इज ऑप्शन सी वैसे ही जो ये यहाँ पे भी बहुत सारे रिवर्स बाकी रुद्रप्रयायायायायाग कर्ण प्रयाग, प्रयाग विष्णु प्रयाग शायद आ, आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पिंदार किसको ज्वाइन करते हैं कहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे एंड ऑप्शन विच राइट ऑप्शन सी इज राइट क्वेश्चन नंबर फार क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस हिमालियन रिवर ट्रांस हिमालियन रिवर आर दोज रिवर्स दैट वेर प्रेजेंट बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ किसकी हिमालियाज की तो इनमें से कौन सा आंसर है आपका गंगा इज़ नॉट द आंसर रवि इज़ नॉट द आंसर जहलीम इज़ नॉट द आंसर इट इज़ द सतलुज तो ऑप्शन बी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एंड अगर औ, और भी कोई पूछेगा वो आप मुझे बताओगे तीन रिवर्स यूजुअली हम बताते हैं कि ये ट्रांस हिमालियन रिवर्स है जिनमें से सतलुज भी एक रिवर है आपका इंडस भी है ब्रह्मपुत्रा भी है दीज आर कंसिडर्ड एज अ ट्रांस हिमालयन रिवर्स दैट वायर प्रेजेंट बिफोर द हिमालय नाउ कम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज विच आर द फॉलोइंग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी किनी ये तो मैं बता रहा था क्योंकि पांच प्रयाग आपको मिलेंगे पांच डिफरेंट रिवर्स अलकनंदा को मिलते हैं ना कि बागी को बागेराती अलकनंदा को देव प्रयाग पे मिलते हैं तो ऑप्शन डी इज नॉट द आंसर तो थर्टी फाइव के लिए आपका जो आंसर रहेगा दैट इज रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग पे आपका कौन मिलता है अलकनंदा मीट करता है मंदा को कहाँ पे रुद्र प्रयाग को या आपको याद रखना पड़ेगा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नंबर एंड क्वेश्चन इज नर्मदा वाटर डिस्प्यूट टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग बिटवीन ये हमसे पूछ रहा है जो ये ट्रिब्यूनल है कौन से ट्रिब्यूनल नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये किन दो स्टेट के बीच में बनाई गई थी ताकि जो नर्मदा वाटर शेयरिंग जो है किस स्टेट को कितने परसेंट मिलने हैं इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया इस ट्रिब्यूनल ने वाटर शेयरिंग को एक अच्छा खासा इन्होंने जजमेंट लाई कि कौन सा स्टेट कितना परसेंट वाटर का यूज़ करेगी तो इट वाज बिटवीन देखो ऑप्शन ए जो गुजरात है गुजरात तो सेम है तो आपसे आपको पता चलेगा आपको पता चल गया कि एक तो गुजरात है गुजरात के साथ और कोई है दैट्स योअर महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश ये चार स्टेट्स कौन कौन से गुजरात हुआ महाराष्ट्र हुआ राजस्थान हुआ और मध्य प्रदेश हुआ ये चार स्टेट्स के बीच में नर्मदा वाटर ट्राइबून ट्राइब्यूनल बनाई गई थी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल याद रखना राजस्थान इज द प्रेजेंट हियर याद रखना राजस्थान इज द प्रेजेंट ऐसा नहीं सोचना कि राजस्थान नहीं है पहले आप यही ऑप्शन को कट करोगे नहीं इट वॉज बिटवीन गुजरात इट वॉज बिटवीन महाराष्ट्र इट वॉज बिटवीन राजस्थान एंड इट वॉज बिटवीन एम पी नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज तो यहाँ पे टाइप्स पे पूछ रहा है हमें क्वेश्चन देखो लोनार जो लैक है वो किस किस टाइप का लैक है ऐसे ही गुहाना किस टाइप का लैक है अष्टमुडी कैसे टाइप का लैक है एंड भीमताल कैसे टाइप ऑफ लैक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैक्स है हमारे पास तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे जो ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज़ द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दैट इज़ जो आपका लूनार है लूनार टेक्टोनिक लैक है आपका जो गुहाना सॉरी दैट्स आपका भीमताल ताल जो लेक है भीमताल ताल लेक आपका कैसा है ये ऑप्शन के हिसाब से भीमताल आपका टेक्टोनिक लेक है क्योंकि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37. और जो अष्टमुडी लेक जो है अष्टमुडी आपका लगून है फिर आपका गोहना जो लेक है दैट्स अ लैंड स्लाइड लेख और जो आपका लूनार है लोनार इज द कराटर लैक और जो प्रेजेंट है कहाँ पे ये आपको बताना पड़ेगा इज इट इन महाराष्ट्र और एम पी लूनार लेक कहाँ पे प्रेजेंट है now coming to question number 38 and question number 38 is which one among the following is not a tributary of river luni to humse pooch raha hai ki river luni jo present hai aapke kis state mein Rajasthan ke state mein to humse pooch raha hai inme se कौन सी नहीं है tributary किसकी? river luni की। not a tributary of river luni तो आपको याद रखना पड़ेगा खारिया इसकी ट्रिब्यूटरी है सुक्री ट्रिब्यूटरी है जावी इसकी ट्रिब्यूटरी है है जो बनास है, बनास इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि जो बनास है बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है नाउ कमी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न गॉट्स इन रिवर में से कौन सा ओरिजिनेट नहीं होता है कहाँ से वेस्टर्न गॉट से आपको पता है जो वेस्टर्न गॉट है मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो पेनासुलर के हैं वह राइज हो जाते हैं कहाँ से वेस्टर्न गॉट से राइज होते हैं तो इनमें से कौन राइज कौन ऑरिजिनेट नहीं होता है वेस्टर्न गॉट गॉट से तो आपको याद रखना पड़ेगा जो गोदावरी गोदावरी तो राइज हो जाता है आपका जो कैवरिया वो भी राइज होता है वेस्टर्न गाट से कैम्बम वो भी आपका वेस्टर्न गॉट से राइज होता है तो वहां पर रहा कौन तापती जो कि राइज नहीं वो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में ये कहां से राइज होता है ताप्ती क्योंकि ताप्ती नर्मदा से कहीं और जगह पे राइज होते हैं वेस्टर्न घाट से राइज और दैट इज राइज मीन ऑरिजिनेट नहीं होते नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इनमें से देखो आज के दौर में तो आपको बता रहे हैं ऑप्शन बी दैट इज़ अ कुकल फॉल्स आप देखोगे कि बहुत जगह पे आप अगर नेट पे सर्च करोगे कुंचकल फॉल्स इज राइट right आंसर किसके लिए हाइस्ट है, वाटरफॉल के बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑप्शन में नहीं होता है तो यूजअली कौन सा ऑप्शन जॉग फॉल्स हम करते हैं कंसिडर हाइस्ट वाटरफॉल इन है, हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया बट आज के प्रेजेंट दौर में आपका कुचकाल फॉल क्या है हाइस्ट वाटरफॉल नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज लोकटॉक लैक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जो लोकटक लैक है ये किस स्टेट में प्रेजेंट है इट्स नॉट इन द सिक्किम इट्स नॉट इन द दिशा इट्स नॉट इन द मिजोरम इट्स प्रेजेंट इन द मणिपुर जो लोकटक लैक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है मणिपुर में प्रेजेंट है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज द ओनली पेरियल रिवर इन पेनसुलर इंडिया इज तो कौन सा देखो जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन पेनन्सुलर है ना ये सीजनल रिवर सीजनल रिवर्स मीन्स इन जो इनका फ्लो ऑफ वाटर होता है वो पर्टिकुलर रेनी सीजन में होता है ये दे आर नॉट पेरीनल जैसे कि आपके पेरीनल कौन से हिमालयन रिवर्स थ्रू आउट साल भर उनमें पानी रहता है वैसे पेनसोलर वैसे में ऐसा केस नहीं होता है पेनसोलर रिवर में थ्रू आउट ईयर पानी नहीं रहता है तो इनमें से मगर

ऐट विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाउनज द अलकनंदा एंड द बागी राथी कम्बाइन टू फॉर्म रिवर गंगा ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया अब आप इसका आंसर खुद को बताओगे क्योंकि इस पॉइंट से पहले इनको गंगा नहीं बोलते क्योंकि इस पॉइंट के बाद हम इसको गंगा बोलते हैं जो अलकनंदा और बागी जब मीट करते हैं उस पॉइंट पे उसके आगे से हम इसको गंगा बोलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप ऑप्शन में कि किस जगह पर ये दोनों मिलते हैं क्योंकि इसको मैंने डिस्कस किया है इससे पहले नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी टू इज अगेन टाइप ऑफ अ लैक हमें देखना है कि कौन सा लैक किस टाइप का लैक है देखो यहाँ लिखा है टेक्टोनिक क्रॉटर गैलशियर एंड फ्लोवियल लैक अभी भी हमने इसमें से एक पार्ट देखा था ऊपर क्वेश्चन में एक लैक हमने देखा था तो विच ऑप्शन इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इट इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एंड ऑप्शन सी आपको क्या बताता है जो ए है दैट इज टेक्टोनिक इज द थ्री जो टेक्टोनिक कौन सा है टेक्टोनिक आपका पूर्वस्थी लेक है फिर आपको बताता है जो बी कराटर कराटर आपका लूनार लैक है गैल्शियल लेक फिर आपका बताता है कि जो गैल्शियल लेक है वो गंगबल लेक है और फिर आपका फ्लूवेल लेक है फ्लूवेल लेक ओबियसली फिर रहा भीमटाल लैक इनमें से आपको अगर पता होता है क्रॉटर लैग भी आपको पता होता है गैल्शियर लैग भी पता होता है गंगवल लैग जी इज अ गैल्शियर लेक वेल एज जो आपका क्रॉटर है क्राटर आपका लोनार लेक है तब भी आप इस ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द तीसता रिवर

इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन सा रिवर ऐसा है जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है किसके रिवर गंगा की सन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा तिस्ता इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा डी शारदा एंड बी इज द महानंदा तो आपको याद रखना पड़ेगा तिस्ता तो ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की देखो सन महानंदा एंड आपका शारदा दिज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द किसके रिवर गंगा अक्षर नॉट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट तिस्ता इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा सन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा महानदा इज द ट्रिब्यूटरी एंड शारदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन द्वेश्चन सेवन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज रिवर तिल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो तिल रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है देखो बागमती की तो तिल ये ट्रिब्यूटरी नहीं है गागरा की भी नहीं है कामला का भी नहीं है गंदक का भी नहीं है तो तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का आंसर जो है ना वो मेरे हिसाब से ई होना चाहिए बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन के बारे में आई थिंक ई शुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज विच ऑफ द फोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है किसकी रिवर ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटी है तो आप मुझे बताओगे क्योंकि ये ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार डिस्कस अब किया दैट इज जो दिबांग किम और लोहित ये तीनों जो है वो किसके किसके ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी डज रिवर जूरी फ्लो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवर जूरी है रिवर जूरी कहाँ पे फ्लो करता है इट्स नॉट इन दमन एंड दीव इट्स नॉट पोडुचेरी नॉट अंडमान एंड नाइकोबॉर इट्स इन गवा गवा में आपका कौन सा रिवर फ्लो करता है रिवर जूरी फ्लो करता है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन

कृष्णा इज़ नॉट आप मुझे आप बताओगे कि नर्मदा और महानदी के बीच में महानदी भी नहीं है तो ऑप्शन थ्री इज़ द राइट क्योंकि जो नर्मदा है एलॉन्ग विद आपका तपती एलॉन्ग विद माही एलॉन्ग विद पेरियार एलॉन्ग विद लूनी दिस ऑल आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाई जो ये महानदी कृष्णा गोदावरी कैवरी ये ऑल आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थैंक यू वेरी मच